नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज के अपडेट की ओर। आज के अपडेट है महत्वपूर्ण दिन के बारे में। शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया गया। शहीद दिवस उन लोगों की वीरता और प्रतिबद्धता का सम्मान करता है जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। इस दिन स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को 1931 में भारत के ब्रिटिश शासकों द्वारा फांसी दी गई थी। यह दिन उन लोगों को याद करने के लिए समर्पित है जिन्होंने भारत को ब्रिटिश सरकार के शासन से मुक्त करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। शहीद दिवस भारत में कई अवसरों पर मनाया जाता है। 23 मार्च के अलावा जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगली अपडेट है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया। विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन पृथ्वी के वातावरण के महत्व और एक दूसरे से जुड़े लोगों के व्यवहार पर प्रकाश डालता है। यह 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित एक विशेष एजेंसी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन लोगों की सुरक्षा और कल्याण में योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इसका काम खाद्य सुरक्षा, जल संसाधन और परिवहन प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। अगली अपडेट है रैंक और रिपोर्ट के बारे में। एक अन्य सरकारी सर्वेक्षण ने स्वच्छ भारत के 100% ODF दावे की खारिज कर दिया। हाल ही में जारी एक अन्य सरकारी सर्वेक्षण ने 2019 में केंद्र सरकार के दावे पर सवाल उठाया है कि सभी भारतीय गांव खुले में शौच से मुक्त है। घोषणा से ठीक पहले या बाद में जारी किए गए 4 सरकारी सर्वेक्षणों रिपोर्टों, जिनमें नवीनतम मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे भी शामिल है, उन्होंने केवल अधिकांश राज्यों की ODF स्थिति पर विवाद किया है, बल्कि उनमें से कई से खराब स्वच्छता के स्तर को भी दिखाया है। ODF स्थिति पर विवाद करने वाले 3 पुराने सर्वेक्षणों में से अक्टूबर 2018 से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सर्वेक्षण 2019 से 20 का राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019 से 21 शामिल है। अगली अपडेट है समझौता के बारे में। RBI UAE के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने सहयोग बढ़ाने और वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में संयुक्त रूप से नवाचार को सक्षम करने के लिए अबू धाबी में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के तहत दोनों केंद्रीय बैंक फिटनेस के विभिन्न उभरते क्षेत्रों, विशेष रूप से केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं पर सहयोग करेंगे और CBUAE और RBI के CBDC के बीच अंतःक्रियाशीलता का पता लगाएंगे। समझौते ज्ञापन फिटनेस और वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में संबंधित मामलों पर तकनीकी सहयोग और ज्ञान साझा करने का भी प्रावधान करता है। अगली अपडेट है योजनाओं के बारे में। BIS ने छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए लर्निंग साइंस थ्रू स्टैंडर्ड्स पहल शुरू की। भारतीय मानक ब्यूरो ने छात्रों के लिए लर्निंग साइंस थ्रू स्टैंडर्ड्स श्रृंखला शुरू की है। यह पहल वैज्ञानिक अवधारणाओं, सिद्धांतों और नियमों का उपयोग करने के उद्देश्य से पाठ योजनाओं की एक श्रृंखला पर केंद्रित है, ताकि छात्रों को संबंधित भारतीय मानकों में बताए गए विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता, विशेषताओं के विनिर्माण, कामकाज और परीक्षण में उनके व्यवहारिक अनुप्रयोगों को समझने में मदद मिल सके। पाठ योजनाओं के लिए विषय काफी हद तक दिन प्रतिदिन के जीवन में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों में संबंधित है और पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में शिक्षा के लिए उनकी प्रासंगिकता के आधार पर चुने गए हैं। अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। के कीर्तिवासन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO नामित हुए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक राजेश गोपीनाथन के इस्तीफा देने के बाद कंपनी के अनुभवी के कीर्तिवासन को CEO नामित किया है। गोपीनाथन ने जनवरी में भारतीय IT दिग्गज के CEO के रूप में 6 साल पूरे किए थे। उन्होंने पिछले साल 2026 तक CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था। IT फर्म ने कहा कि गोपीनाथन अपने उत्तराधिकारी को बदलाव और समर्थन प्रदान करने के लिए 15 सितंबर 2023 तक कंपनी के साथ बने रहेंगे। डाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड ने 16 मार्च 2023 से CEO नामित के रूप में कीर्तिवासन को नामित किया है।
अगली अपडेट है, वाईकॉम 18 ने पूर्व कप्तान MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। वाईकॉम 18 ने भारत के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट कप्तान और 4 बार के IPL विजेता कप्तान MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। विश्व क्रिकेट के सबसे सम्मानित खिलाड़ियों में से धोनी जियो सिनेमा स्पोर्ट 18 और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिखाए गए कई नेटवर्क पहलों में भाग लेंगे। वाईकॉम 18 के खेल CEO अनिल जयराज ने कहा, MS धोनी की नेतृत्व क्षमता और खेलों को बदलने की क्षमता अच्छी तरह से प्रखलित है, लेकिन उनका विनम्र और जमीनी व्यक्तित्व डिजिटल मूल निवासियों के साथ मेल खाता है, जो प्रामाणिकता और पारदर्शिता को महत्व देते हैं। अगली अपडेट है बैंकिंग के बारे में। केनरा बैंक ने UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया। केनरा बैंक ने NPCI के सहयोग से भीम ऐप का भी उपयोग करके UPI के माध्यम से रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस शुरुआत के साथ केनरा बैंक के ग्राहक ने अपने सक्रिय रुपए क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ सकते हैं और खाता आधारित UPI लेनदेन के सामान कार्ड के भौतिक उपयोग के बिना व्यापारी भुगतान कर सकते हैं। यह अपने क्रेडिट कार्ड सीमाओं का उपयोग करने के अवसर को बढ़ाएगा, जबकि POS मशीनों के बिना व्यापारी स्कैन के मोड का उपयोग करके UPI से जुड़े रुपए क्रेडिट कार्ड वाले ग्राहकों से क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान प्राप्त कर सकते हैं और QR के माध्यम से भुगतान पा सकते हैं। अगली अपडेट है बैंकिंग के बारे में। ICICI बैंक भारतीय स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम बैंकिंग प्रदान करेगा। ICICI बैंक ने घोषणा की है कि यह स्टार्टअप की उनके विभिन्न जीवन चरणों में सभी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजिटल और भौतिक समाधानों का एक व्यापक पैकेज प्रदान करेगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम बैंकिंग के हिस्से के रूप में बैंक ने स्टार्टअप के लिए एक समर्पित टीम बनाई है, जो शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से उनकी सेवा करती है। बैंक ने एक प्रेस बयान में कहा कि बैंक अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और गुजरात स्थित उभरते वैश्विक वित्तीय और IT सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी में शाखा के माध्यम से अभिनव समाधान प्रदान करेगा। अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। दीपक मोहंती को DA अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सरकार ने दीपक मोहंती को पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने सुप्रतिम बंदोपाध्याय की जगह ली, जिनका कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो गया था। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक मोहंती ने PFRDA के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। 14 मार्च 2023 की एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य दीपक मोहंती को PFRDA के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करती है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेड द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी।